केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार दोपहर को लोकसभा में SPG संशोधन बिल पेश किया। अमित शाह ने कहा कि इस कानून में कुछ बदलाव के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। शुरुआत में SPG एक अधिकाशी आदेश के तहत काम करती थी, बाद में एक कानून बना जिसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा। शाह ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा मिलेगी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को 5 साल तक की ये सुविधा मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से SPG नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस मसले पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अभी तक SPG सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब इनकी सुरक्षा CRPF के हाथ में चली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1991-94 में इसमें संशोधन हुआ था। उसके बाद भी कई बार संशोधन हुआ। गृह मंत्री बोले कि संशोधन होने के बाद जो एक्ट बनेगा उसके बाद प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। जो प्रधानमंत्री आवास पर रहते हैं उन्हें ये मिलेगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को 5 साल की अवधि के लिए SPG प्रोटेक्शन मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ही है, उनके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए SPG बनी है। हमारे देश में जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, जो देश के लिए बड़ी क्षति है, जिसके बाद इस कानून को बनाया गया। अब हमारी सरकार इसमें संशोधन कर रही है जिसके तहत PM को ये सुरक्षा मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ये सुविधा 5 साल के लिए ही मिलेगी।